हेलो स्टूडेंट, आई एम योर सब्जेक्ट टीचर ऑफ हिंदी। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एट होम। स्टूडेंट, टुडे आई विल बी एक्सप्लेन चैप्टर 4, चैप्टर्स नेम सिंबल ऑफ वॉवेल, मात्राएं। बच्चों, आज हम लोग मात्रा पार्ट को पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, व्यंजन वर्ण क ख अपने आप में अपूर्ण होते हैं। जब इनके साथ स्वर जुड़ते हैं तभी ये पूर्ण होते हैं। मात्रा, स्वरों का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है वह मात्रा रूप में जुड़ता है। मात्रा समय की अवधि को कहते हैं। ई के बोलने में कम समय लगता है, लेकिन ई के बोलने में समय की अवधि बढ़ जाती है। इस और ईख के बोलने में ध्यान दें, आपने देखा कि ईख के बोलने में अधिक समय लगा। समय की अवधि ही मात्रा कहलाती है। जब हम किसी अमात्रा वाले वर्ड को बोलते हैं तो अंत में अ ही सुनाई पड़ता है, जैसे क च प ज आदि। स्वरों की मात्राएं, स्वर मात्रा, व्यंजन मात्रा के साथ मात्रा वाले शब्द। अ दिखाई नहीं देती, सुनाई देती है। अ की मात्रा नहीं होती है, सुनाई देती है परंतु दिखाई नहीं देती है। क जमा अ बराबर क, कलम। अ क जमा अ बराबर क, कलम। आ, आ की मात्रा क जमा आ बराबर का, कान। ई छोटी की मात्रा क जमा ई बराबर की, किला। स्वर मात्रा व्यंजन मात्रा के साथ मात्रा वाले शब्द। ई बड़ी की मात्रा क जमा ई बराबर की, कीड़ा। उ छोटा उ की मात्रा क जमा छोटाओ की मात्रा कु बराबर कु, कुत्ता। उ बड़ाऊ की मात्रा क बराबर जमाऊ कु, कूड़ा। बच्चों, मात्राएं व्यंजन के चारों ओर लगती हैं, जैसे व्यंजन के बाद अ आ की मात्रा काम, ई छोटी की मात्रा कील, ओ की मात्रा कोई, आ की मात्रा कौवा। व्यंजन के ऊपर ए केला, ऐ कैसा व्यंजन से पहले, ई छोटी की मात्रा किसान व्यंजन के नीचे, ऊ छोटाओ की मात्रा कूल, बड़ाऊ बड़ाऊ की मात्रा कूल, री की मात्रा कृषि। र के साथ ऊ और बड़ा उ की मात्रा लगाने पर वे इस तरह लिखे जाते हैं। र जमा उ छोटा उ की मात्रा रू, र जमा उ बड़ा उ की मात्रा रू। र के साथ छोटा उ या बड़ा उ की मात्रा र के बीच में लगती है, इसके आगे या पीछे नहीं लगाई जाती है। बच्चों, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन सही शब्द वही होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है। अभी आप लोगों ने मात्रा पढ़ा, व्यंजन के साथ स्वर की मात्राएं लगाते हैं तभी कोई शब्द बनता है, और शब्द वही कहा जाता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे एग्जाम्पल, ये उदाहरण आपके चित्र में दिया हुआ है। ग ग पे छोटा उ की मात्रा गु, ल ल पे आ की मात्रा ला, ब गुलाब। गुलाब सही शब्द है, इसका अर्थ निकलता है यह एक फूल का नाम है। बकुला, चित्र आप देखकर समझ जा रहे हैं कि ये बकुला है। बकुला सही शब्द है, इसका भी अर्थ निकलता है यह एक पक्षी का नाम है, परंतु देखिए कैसे लिखा गया है। लागू ब, लागू का कोई अर्थ नहीं होता है, अतः यह शब्द नहीं है। आओ बच्चों, हमने शब्दों के बारे में पढ़ा कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं,
ठीक इसी तरह शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। देखिए कैसे, जोर बालिका रही से बोल है। यदि हम इन सभी शब्दों को मिलाकर एक जगह रख देंगे तो यह वाक्य नहीं कहलाएगा, जोर बालिका रही से बोल है। लेकिन जब हम इन्हीं शब्दों को सही क्रम में लगाकर एक साथ लिखेंगे तो वह सार्थक शब्द या वाक्य माना जाएगा। जैसे बालिका जोर से बोल रही है, हम आपसी बातचीत में वाक्यों का प्रयोग करते हैं, इन्हीं वाक्यों से भाषा बनती है। मुख्य बातें, स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ता है तो मात्रा रूप में जुड़ता है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, वर्णों के मेल से वाक्य बनते हैं।